गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बेटा हम जो बना रहे हैं पार्ट 3 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 4 पार्ट 3। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कंसीडर करेंगे बेटा, सिर्फ दो टॉपिक। एक, इम्पॉसिबल एक्ट्स कौन से होते हैं, और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होती है। दोनों के दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसको लिख के देखिएगा और फिर इसके हम केस लॉज करेंगे। फटाफट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे बच्चे स्टडी मेट खोल लें। पर चैप्टर यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 4 का पार्ट 3 हम यहाँ पे बना रहे हैं। दो मिनट सुन लो बेटा, आज का टॉपिक बहुत शॉर्ट है। एग्रीमेंट आपने किया टू डू, कुछ करना है, पर जो कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। जो कर रहे हैं वो क्या बेटा, इम्पॉसिबल। एक्ट होता है काम, इम्पॉसिबल काम के लिए किया गया एग्रीमेंट वर्ड होता है। सर एक बात बताओ, ये इम्पॉसिबिलिटी असंभव काम कौन, जब एग्रीमेंट किया गया था उसी टाइम में संभव था या बाद में इम्पॉसिबल हुआ है? प्लीज ध्यान सुनिएगा बेटा, मैंने क्या बोला है। जिस टाइम पे दो पार्टी ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ एग्रीमेंट किया था, ये काम उसी टाइम इम्पॉसिबल था, इसको पूरा नहीं किया जा सकता था। ये कुछ बाद में ऐसा हुआ है कि इसको पूरा नहीं किया जा सकता। बेटा क्लास में से कोई बंदा, मान लो राहुल है, वो मेरे पास आता है। मैं एक पेंटर हूँ, विख्यात फेमस पेंटर हूँ और पेंटिंग करता हूँ। राहुल मेरे पास आता है, कहता सर एक पेंटिंग बना दो। मैंने कहा 5,000 रुपये दे दूँ, बन जाएगी। इसने मुझे 1,000 रुपये एडवांस दे दी और 4,000 रुपये बोला सर पेंटिंग बनाने के बाद। मैंने कहा ओके। नेक्स्ट डे ही बेटा को जो कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, और मेरे दोनों हाथ यहाँ से कट जाते हैं, दोनों हाथ कट जाते हैं। अब मैं पेंटिंग नहीं बना सकता साहब। एक बात बड़े ध्यान सुनिए बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पे मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं था, एनफोर्सिबल था। तो इट मीन्स सब कुछ वैलिड चल रहा था। कुछ ऐसा हुआ, कुछ बाद में ऐसी घटना हुई, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, भगवान की वजह से कुछ ऐसा काम हुआ, अब चाह के भी मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर विनिंग। सुपर विनिंग का मतलब है भगवान विष्णु भी नीचे उतर के आ जाए तो भी वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। अब वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आएगी? जी सर। सर इम्पॉसिबिलिटी आपके हिसाब से दो तरीके की होती है? मैंने कहा बिल्कुल। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, एग्रीमेंट के टाइम में पता है ये काम नहीं हो सकता, इसको बोलते बेटा इनिशियल। जो पहले से पता थी, जो पहले से पता होता है इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सर जो बाद में आती जिसका पहले पता नहीं होता बेटा, वो सुपर विनिंग। पहले तो वो ओके थी, बाद में कुछ ऐसा होता है। मैं आपको ट्यूशन पढ़ाने का, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, सर आप फाउंडेशन की लॉ पढ़ा दो। मैंने कहा बेटा पढ़ा देता हूँ। 2,000 रुपये अपने एडवांस दे दिए, मैंने लॉ पढ़ाना स्टार्ट की दिया। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आती है कि आज के बाद कभी भी कोई प्राइवेट ट्यूटर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये लॉ के अगेंस्ट है। अब चाह के भी बेटा मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल। पर आप सोच के बताइएगा, ये पहले से इम्पॉसिबल था या बाद में इम्पॉसिबल हुआ? जो चीज़ बाद में इम्पॉसिबल होती है बेटा, वो एग्रीमेंट के टाइम पे नहीं थी, बाद में आई थी। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती थी, एग्रीमेंट के टाइम से ही पता था, उसको इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। सर दोनों केस में होने क्या वाला है बेटा? जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जिसका पहले से पता था कि इस काम को पूरा ही नहीं किया जा सकता, जैसे ए बी से बोलता है कि आपको एक मिनट में भारत से अमेरिका दौड़ के हाथ लगा के अमेरिका को वापस आना है, या आपको एक घंटे के अंदर पूरा का पूरा सागर पार कर देना है, इस तरीके की बातें, या आप किसी मरे हुए बंदे को जिंदा करके दिखा दीजिएगा, बेटा ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो सिरे से अवॉइड होता है। सर एक बात बताओ, इस इम्पॉसिबिलिटी का पार्टीज़ को पता होना जरूरी है या नहीं है? चाहे पता हो और चाहे ना हो, ये दूसरा क्या होते हैं बेटा? वॉइड होते हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सर अगर दोनों पार्टियों को पता था ये काम नहीं कर सकते, ये पूरा हो ही नहीं सकता, और फिर भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो भी वॉइड। सर दोनों पार्टियों को पता ही नहीं था, पागल थे वो सोच रहे थे ऐसा हो जाएगा, तो भी वॉइड। सर एक पार्टी को पता था, प्रोमिजर को, इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता, और जिसको किया, जिसके लिए करना था उसको पता नहीं था बेचारे को, वो भोला भाला इंसान है, इस केस में बेटा फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पे जब एक बंदे को पता था, दूसरे को पता नहीं था, इस केस में कंपनसेशन सामने वाले को मिलता है। सर एक बात आप मेरे को बताओ, आपने जो पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया, 500 रुपये आपको एडवांस दिए, 1,000 रुपये आपको एडवांस दिए, और बाकी आपको पेंटिंग के बाद मिलने थे, अब एग्रीमेंट तो वर्ड हो गया, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी। आप ये बताओ कि 1,000 रुपये सामने वाले को वापस आप दोगे या ये भी आप रख जाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन।
रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स रियल ओनर। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, जब एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, तो अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव कर रखा है, वो बेनिफिट उसको लौटाना पड़ता है उसके रियल मालिक के पास। फटाफट पढ़ते हैं बेटा, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन याद करना बेटा, सेक्शन 56 के अंदर इम्पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रखा है। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन कर रखी बेटा वो मैंने पढ़ दी। इसके दो पार्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ये क्या है बेटा, जब करते टाइम वो चीज़ ओके थी, बाद में वॉइड हुई है। सेकेंड पॉइंट, कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट आर नॉन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। इस चीज़ को यहाँ जो घुमा के बता रखा है, इसको बड़ा सिस्टमेटिकली बेटा एनालिसिस के अंदर बता रखा है। सर वो एग्जाम्पल तो करवा दो बेटा, ए ने बी से कहा मैं जादू से ढूंढ दूंगा, या मैं जादू से तेरी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दूंगा, इस तरीके की चीज़ें जो स्टार्टिंग से पता था इम्पॉसिबल नहीं है, तो सिरे से क्या होती है बेटा, वर्ड होती हैं। एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं यानी कर रखा बेटा, इम्पॉसिबिलिटी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ध्यान से बताओ सोच के, इनिशियल कौन सी, जिसका पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एग्रीमेंट के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। दूसरा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जो एग्रीमेंट के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ। सब्सिक्वेंट कौन सी होती बेटा, सब्सिक्वेंट को मैं सुपर मीनिंग का भी नाम दे सकता हूँ। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो एग्रीमेंट के टाइम पे नहीं थी, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसको चाह के भी पूरा नहीं किया जा सकता, इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो इनिशियल में क्या करना बेटा, आपको इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सर मुद्दा ये बताओ, इन दोनों पार्टी को नोन थी ये बात, पता थी या नहीं पता थी। पहला केस करते हैं इफ नोन टू द पार्टी, अगर ये बात दोनों पार्टी को पता थी तो ये एग्रीमेंट सिरे से वॉइड हो जाएगा, यहाँ पे किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलने वाला। सेकेंड पॉइंट, इफ अननोन टू द पार्टी, सर दोनों में से किसी पार्टी को पता ही नहीं था, वो इग्नोर थे, लेकिन काम इम्पॉसिबल था, तो भी बेटा ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है, वॉइड रहने वाला है। तीसरा केस बड़े ध्यान से, इट नॉन टू द प्रोमिजर ओनली, सिर्फ प्रोमिजर को पता था कि जो मैं वादा कर रहा हूँ उसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि इम्पॉसिबल है, बट बेचारे प्रोमाइजी को ये विश्वास दिलाया जा रहा था कि ये काम मैं तेरे लिए कर दूंगा। बेटा यहाँ पे जो उसकी नीयत है ये खराब थी, इसलिए यहाँ पे जो जिसको वादा किया गया था उसको राइट दिया जाता है, वो कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी और नॉर्मल इम्पॉसिबिलिटी में फर्क बता सकते हो बेटा, मैंने आपके लिए पेंटिंग बनानी थी, 1000 रुपये आपने एडवांस दे दिए, 3 दिन बाद आपने मेरे को फोन किया सर पेंटिंग रेडी होगी, मैंने कहा यार मूड नहीं है मैं नहीं बनाता अब इसको। मूड ना होना, बुखार चढ़ जाना, मेहनत ज़्यादा लगेगी, आज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सारी बातें बेटा सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। सुपर विनिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जाना, कोई ऐसी इवेंट घट जाना जिसको चाह के भी भगवान विष्णु भी उतर जाए तो भी पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे एक्ट को ही सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है। पर यहाँ पे आपको एक बात बताओगी बेटा, जो बेनिफिट आपने रिसीव किया, जो 1000 रुपये मैंने एडवांस में लिए थे, वो तो आपको वापस देने पड़ेंगे। जी सर। थर्ड पॉइंट है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू। बेटा ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बोल रखा है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है उसका एक पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट उसका इलीगल है, कुछ पार्ट तो लीगल और कुछ पार्ट इलीगल, और पार्ट को सेपरेट सेपरेट किया जा सकता है, तो जितना पार्ट लीगल है उसको तो एनफोर्स करवाया जा सकता है, और जितना पार्ट बेटा इलीगल रहेगा वो आपका वॉइड हो जाएगा, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी एग्रीड दैट ए विल सेल ए हाउस टू बी, ए अपना घर बी को बेचेगा 5 लाख रुपए का, एंड ऑल्सो दैट इफ बी यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही विल पे ए फर्दर सम ऑफ 7.5 लाख रुपए। पहला जो काम है घर बेचना, कोई बुरी बात नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट घर बेचना इसलिए ताकि वो वहां पे गैम्बलिंग कर पाए, तो बेटा ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट खराब है, आपका जो जिस उद्देश्य से आप क्या काम कर रहे हैं अगर वो अनलॉफुल है, तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, सेक्शन 58 के आगे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, पहले मैं इसका एग्जांपल पढ़ा था आपको, एक ही चीज समझ में आएगी। ए एंड बी एग्री दैट ए शैल पे टू बी, ए बी को 1 लाख रुपए देगा, फॉर विच बी, बी उसके बदले में या तो उसको चावल दे देगा या फिर उसको ओपियम होता है बेटा, नशे की चीज आप ये लगा लो, चरस गांजा अफीम उसको फिर प्रोवाइड करवा देगा। बेटा 1 लाख के बदले में अगर चावल तो देता है तो ओके, तो वैलिड है, जो अल्टरनेटिव प्रॉमिस आया तो वो वैलिड हो जाएगा, पर अगर वो अफीम का नशा अगर उसको समय सप्लाई करता है तो फिर क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये दोनों बातें यहां पे इसको बता रखी है। अगर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया बेटा, इसको फटाफट रिवाइज करते हैं।
एग्रीमेंट टू डू सेक्शन 56 बोलता है इम्पॉसिबल एक्ट. इम्पॉसिबिलिटी सर दो टाइप की होती है, पहली इनिशियल, दूसरी सब्सिक्वेंट. इनिशियल वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही एग्जिस्ट करती है, जो एग्रीमेंट के टाइम ही एग्जिस्ट करती है, चाहे पार्टी को पता हो चाहे पार्टी को ना पता हो. दोनों के दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट या आपका एग्रीमेंट वैलिड होने वाला, किसी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता. लेकिन एक को पता था और दूसरे को नहीं पता था, यहाँ पे कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा. ये बात है बेटा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की. अब बात है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. सब्सिक्वेंट का मतलब है जो एग्रीमेंट के टाइम पे पॉसिबल था. मैंने पेंटिंग का एग्जांपल आपको दिया था, एग्रीमेंट के टाइम पे सब कुछ ठीक था लेकिन बाद में मेरे हाथ कट गए थे और हाथ कटने के बाद में आपकी पेंटिंग नहीं बना पाया था. इस ऐसी चीज को सुपरवेनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोला जाता है, जिसको चाह के भी पूरा ना किया जा सकता हो. हाँ, इस चीज के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी थी, या फिर रेस्टिट्यूशन का राइट होता है. रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स रियल ओनर. अगर मैंने कोई पैसा एडवांस ले रखा है तो माना मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा नहीं कर सकता, पर जो एडवांस ले रखा है वो तो मुझे चुकता करना पड़ेगा. अब उसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट आया था, अगर आपका पार्ट में कोई चीज लीगल होती है पार्ट में इलीगल होती है तो लीगल पॉइंट को एनफोर्सेबल किया जा सकता है, इलीगल को इलीगल वर्ड हो जाएगा उसको एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता. अब बात आई एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की. एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन होता है बेटा यूटिलाइज करना, चीज को यूज करना. किसको? पेमेंट को. मान लीजिएगा मैं वेद सोनी, मैंने गांव के अंदर एक साहूकार से कई टाइप के लोन ले रखे थे बेटा. मैंने 20,000 रुपये एक बार ले रखे थे, 50,000 रुपये एक बार ले रखे थे, 1,00,000 रुपये एक बार ले रखे थे. मैंने 3 लोन एक साहूकार से ले रखे थे, 20,000, 50,000, 40,000, मान लो ऐसे हैं. और ये तीनों अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं, कोई 5% का है, कोई 10% का है और कोई 15% का है. साहूकार का फोन आता है, साहब पैसे चुकता करो. मैंने कहा मालिक मेरे पास सारे पैसे नहीं है. मैं उसको उठा के बेटा 15,000 रुपये दे आता हूँ. कितने दे आता हूँ? 15,000 रुपये दे आता हूँ. और मजे की बात, मैं ये नहीं बता के आया 15,000 रुपये कौन से के लिए हैं. मेरी बात समझिएगा, साहूकार के पास 15,000 रुपये में चुकता करके आ गया. अब साहूकार के हाथ में 15,000 रुपये हैं. अब मजे की बात, उसको ये समझ नहीं आ रहा इस 15,000 को लोन ए से घटाऊं या 15,000 को लोन बी से घटाऊं या 15,000 को लोन सी से घटाऊं. कहां से सेट ऑफ करेगा बेटा? हर बंदा अपना फायदा देखता है. वो वहां से घटाएगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम का होगा, क्योंकि ज्यादा वाले उसे घटा देगा तो उसका ब्याज दर कम आएगा. और बेटा मैं वहां से घटवाना चाहूंगा जहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. पर मुद्दा क्या है, मैंने कुछ भी नहीं बता रखा. अब क्या होगा बेटा? या तो आपने इंडिकेट कर रखा हो कि मालिक ये लोन ए से घटाने हैं. अगर आप इंडिकेट कर देते हैं कि ये पैसा कौन से लोन से घटाना है तो बेटा वहीं से घटाना पड़ेगा. अगर आप इंडिकेट नहीं करते हैं तो फिर सामने वाले की मर्जी होती है. मर्जी मतलब फिर वो बेटा उसमें से घटाएगा जो बेटा टाइम बार्ड डेट को. तो टाइम बार्ड कौन सा होता है? जिसको मांगने का राइट उसके पास नहीं रहा 36 महीने के बाद. नॉर्मली क्रेडिटर के पास वो पैसा रिकवर करने का राइट नहीं होता है. तो जो लोफुल डेट है उसमें से उसकी मर्जी के हिसाब से उस डेट को यूटिलाइज कर सकता है. तीसरा केस, ना मैंने कुछ बताया ना उसने अभी तक पैसा यूज किया, पैसे यूं के यूं पड़े, उसने घटाए ही नहीं है. और मामला मान लो कल को डिस्प्यूट होके कोर्ट के चरी में पहुंच गया. अब इसमें कौन से में से घटाया जाएगा बेटा? ये उसमें से घटेगा जो सबसे पहले दिया गया था. टाइम का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया. जो लोन सबसे पहले दिया गया था ये पैसा उसमें से घटाया जाएगा. सर वो टाइम बार्ड हो तो, चाहे टाइम बार्ड से भी आगे निकल गया हो, ये उसमें से पहले घटेगा. सर दोनों लोन उसी डेट के हो तो और बाद के लोन बाद के हो तो? बेटा अगर सेम डेट के लोन है तो उसको प्रोपोर्शनेट कर लिया जाएगा. मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ. मैंने किसी से 3 टाइप के लोन ले रखे हैं, लोन ए, लोन बी, लोन सी. लोन ए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन बी 10%, लोन सी 15%. अब जब मैंने कुछ पैसे सामने वाले को वापस किए, या तो मैंने बताया होगा या मैंने नहीं बताया होगा. अगर मैंने बताया तो होगा तो ये पैसा उसी लोन से घटाया जाएगा जो मैंने इंडिकेट किया. एक कॉन्सेप्ट, अगर मैंने कुछ भी नहीं बता रखा तो सामने वाले की मर्जी. उसको लोफुल डेट बोला मैंने, टाइम बार नहीं, जितने भी वैलिड डेट हैं उनमें से किसी में से भी घटा सकता है, वो उसकी मर्जी होती है. थर्ड पॉइंट, ना तो मैंने कुछ बताया और ना उसने अभी तक उसको अप्रोप्रिएट किया, उसको यूज किया. सारी चीजें यूं की यूं रखी हैं और मामला कल को कोर्ट के चरी डिस्प्यूट में पहुंच जाता है या बाद में यूटिलाइज करने का मामला आता है तो बेटा ये पैसा वहां से घटेगा जो सबसे पहले दिया गया था. इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है. फटाफट आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या लिख रखा है. फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड. अंडरलाइन कीजिए बेटा इंडिकेटेड को. अगर आपने इंडिकेट कर दिया पैसा वहां से घटेगा तो वहीं से घटेगा. सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज टू डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड. आपने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं कर रखा. Where the debtor has omitted to intimate, अगर वो कुछ भी intimate करना भूल गया. And there are no other circumstances indicating, और वहाँ पे ऐसा circumstances भी कुछ create नहीं किया गया कि कहाँ से घटाना है. तो यहाँ पे creditor may apply it at his discretion. यहाँ पे creditor अपनी मर्जी से जहाँ से घटाना चाहे वहाँ से घटा सकता है. But वो lawful debt होना चाहिए, time bar debt नहीं होना चाहिए. तीसरा केस आपकी स्क्रीन पर ये रहा.
एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी एप्रोप्रिएट, मतलब वेयर नीदर पार्टी मेक एनी अप्रोप्रिएशन, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड, किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं बता रखा ना अभी तक पैसा यूज हुआ है, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, अंडरलाइन कीजिएगा बेटा ऑर्डर ऑफ टाइम, जो सबसे पहले दिया गया था उसी लॉ में से वो पैसा आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो बेटा बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में फिर ये यूनिट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, इसलिए बेटा हमने इसकी छोटी छोटी यूनिट बनाई है। फिर से बता देता हूं इस यूनिट के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट किए हैं, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पार्ट लीगल पार्ट इलीगल, और फोर्थ पॉइंट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। उसके तीन पॉइंट थे, इंडिकेटेड, नॉट इंडिकेटेड, और किसी पार्टी ने अगर उसको अब तक एप्रोप्रिएट नहीं किया तो टाइम के हिसाब से एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बार बार वीडियो देखिएगा और मेहनत करते रहिएगा।